नमो अच्छ नमो लोहे शवेशाहुरम जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की चौबीसों तीर्थंकर भगवान की गुरु नाम गुरु विमल सागर जी महाराज की परम पूज गुरुदेव विराग सगल जी महामुनिराज के समो शरण महामंडल विधान के ओम शांति। समय अपनी गति से चल रहा है और अभी आपने माता जी को सुना, चुल्लक जी को सुना। अरे माता जी ने बड़े भाव से भक्ति भाव के ओतप्रोत किया कि जिनेंद्र देव की भक्ति का फल क्या हुआ करता है। आचार्य परिवार कुंदकुंद देव स्वामी अष्टपाहर में कहते हैं, सुहीन भाबीन नानम दुही जान विसंति तहमा जहां बलम जोई अप्पा दुखम भय। आचार्य परिवार कह रहे हैं कि सुख से भावित किया ज्ञान दुख के आने पर विनाश को प्राप्त हो जाता है। सुहीन भाबीन नानम बोले सुख के में भावित किया हुआ ज्ञान, जो सुख में ज्ञान को अर्जन किया है वो दुख के आने पर वह अपने विनाश को प्राप्त करता है। आज जो आप ज्ञान सुन रहे हैं ये ज्ञान व्यर्थ नहीं जा रहा है, ये ज्ञान व्यर्थ नहीं जा रहा है। लोगों को कभी कभी लगता है महाराज बहुत डीप में चले गए प्रवचन में, समझ में नहीं आया। जब मैं भी छोटा था, जब घर से निकला, आचार्य भगवान क्लास लगाते थे, क्लास में आचार्य भगवान कहीं प्रवचन सार की क्लास चल रही, कहीं समय सार की, तो बड़ा जटिल विषय निकल जाता था, तो समझ में नहीं आता था। तो हम लोग को मैच खेलने की बहुत आदत थी और वो आदत गई नहीं ब्रह्मचारी अवस्था में भी। तो क्लास में से उठे, धीरे से चले गए बाहर, छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके साथ क्रिकेट खेलने लगे। एक दिन शिकायत पहुंच गई कि भैया जी क्रिकेट खेल रहे। दूसरे दिन क्लास लग गई हमारी। अच्छा सी ने हमने कहा आचार्य भगवान क्या करें, अब 2:30 बजे से आप क्लास लगाते 4 बजे तक और इतना विषय जटिल, नींद आने लगती, समझ में आता नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं समझ में आता तब भी बैठे रहो क्लास में, एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठो, जो समझ में आए वो लिखो, ना आए समझ में तब भी जो बोल रहा हूं लिखते जाओ। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन से क्रिकेट खेलना, उस दिन का दिन था कि आज तक अंतिम दिन था, उस दिन के बाद कभी डांट पड़ने के बाद फिर तो कभी, लेकिन आचार्य भगवान कहने लगे क्लास में बैठना है। मैंने कहा ठीक है। क्लास में बैठा, अब जब वो विषय पढ़ते हैं, अब जो विषय अपन सेल्फ डिपेंड होकर के उस विषय को लगाते हैं, तो आचार्य भगवान के वो एग्जाम्पल याद आ जाते हैं उस विषय की कि आचार्य श्री ने इस विषय को ऐसा समझाया था। मतलब वो ज्ञान व्यर्थ नहीं गया, वो उस समय का 1996-97 में जो आचार्य श्री क्लास लगाते तो उस समय के ज्ञान का आज वो वर्तमान में ज्ञान काम आ रहा है। कि भले उस समय अपन को समझ में नहीं आए लेकिन स्मरण शक्ति में कहीं ना कहीं वो ज्ञान गया। और जैसे अभी भी अपन हम कुछ बोलते हैं, अब जैसे मैंने बोला आप कोई दूसरे साधु आएंगे कोई वो विषय बोलेंगे तो आपको तुरंत मेरी याद आएगी, ये तो बीरेंद्र सागर जी कह रहे थे, यही तो महाराज ने समझाया था। तो ज्ञान
कभी नष्ट नहीं होता है। तो सुख में जो भावित किया हुआ ज्ञान है, जब दुख आता है तो उस दुख के आने पर विनाश को प्राप्त हो जाता है। उस समय हमें वो जो दुख आ रहा है अब ज्ञान लगाना है, और ज्ञान लगाओगे तो वो दुख नाश को प्राप्त होगा। यही ज्ञान सुख का कारण है, ज्ञान सुख का कारण है। और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था उस ज्ञान को दुख के आने पर हमने उसको घटित किया। जैसे कि मान लो मैंने उदाहरण दिया सुबह कि आपकी पूजा के द्रव्य में थोड़ी सी लौंग कम हो गई, अब बाजू की पड़ोसी की थाली में लौंग ज्यादा है, आपको संकलिष्टता हुई, दुख हुआ, पीड़ा होना प्रारंभ हुई। तो उस समय आपने सुना था कि ये बाह्य द्रव्य से क्या होगा, अंतरंग के द्रव्य को संभालना है। मतलब परिणाम खराब नहीं होना चाहिए, भाव खराब नहीं होना चाहिए। बाहर के द्रव्य में यदि द्रव्य की सामग्री नहीं है तो बिना द्रव्य के भी पूजा कर ली जाती है, भाव पूजा। तो वो याद आपको कहीं ना कहीं उस समय आपको लगाना है कि ये बात गुरुजी ने ऐसी बताई थी, और उससे सुख की प्राप्ति होती है। घर में बहुत संकलिष्टताएं हैं, परिवार में बहुत पल पल पर संकलिष्टता है, एक एक पग पर संकलिष्टताएं बढ़ रही हैं। अब उस संकलिष्टता को दुख में सुख को कैसे खोजना है, तो इस ज्ञान को लगाना है जो आचार्यों ने बताया है, जो भगवंतों ने कहा है, उस ज्ञान को उस दुख के समय में लगाना है। भैया देवेंद्र भाई, तू इतना पैसा कमा करके क्यों रख रहा है? बैंक में भी रखा है, थोड़ा बहुत रखा है ना? किस लिए रखा है? दुख के समय काम आए। पैसा जो कमाया है खर्च तो चल ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा अलग से आप रखते हैं, चाहे बैंक में रहें चाहे घर में भी रखें, कहीं ना कहीं वो इसलिए कि जब विपत्ति आए उस समय वो विपत्ति में, घर में परिवार में दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कोई भी ऐसी परेशानी आ जाए तो वो धन उस समय काम आ जाए, इसलिए उस संग्रह करके धन को रखा है। ये पूजा, ये प्रवचन, ये स्वाध्याय, ये जाप, ये व्रत, ये संयम, इतने दिन से इसलिए संग्रह करके रख रहे हैं कि जब मेरा संकलिष्टता का समय आए, दुख का समय आए, तो मेरी ये पूजा करना, ज्ञान को अर्जन करना, वो कार्यकारक हो जाए। और उस समय ज्ञान काम नहीं आया, बोलते ना दुख के समय पैसा काम नहीं आए तो फिर किस चीज का पैसा, दुख के समय कोई साथ नहीं दे तो किस चीज का वो साथी कहलाना। तो ज्ञान हमारे लिए जो दुख में आया है, जो दुख आया है वो ज्ञान अब आपको लगाना है। आचार्यों ने, मुनिराजों ने, साधुओं ने, दुख तो सबको आता है, तकलीफ सबको आती है, पीड़ा सबको होती है, संकलिष्टता सबको होती है, लेकिन उसमें अपने आप को कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे बदलते हैं? सही बताओ, यदि बहुत सारे ग्राहक आपकी दुकान पर हैं, मासाब बैठे हैं, मासाब दो दो मासाब बैठे, पीछे बहुत सारे मासाब बैठे हैं, अरे बहुत सारे मासाब हैं, मास्टर आप मासाब आपके पास एक बच्चा एक कॉपी लेकर के आए प्रश्न पूछने के लिए, आप स्कूल में बैठे, एक बच्चा कह रहा है सर एक प्रश्न, फिर दूसरा बच्चा आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, फिर चौथा आ जाए, फिर पांचवा, और एक खट्टे वो सर मेरा एक प्रश्न बता दी, सर मेरा, तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा कि नहीं आएगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना? फिर गुस्से में कह दो चलो सब शांत बैठ जाओ, एक एक करके आओ। जब आपको एक साथ कोई बात आती है तो चिड़चिड़ापन आता है,
गुस्सा आते, हम लोगों के पास भी आप लोग फिर आते, महाराज ऐसा महाराज वैसा, एक जाता नहीं दूसरा फिर आ जाता है, दूसरा जाता नहीं तीसरे फिर आ जाते हैं। तो कभी अपन को जाप करना है, स्वाध्याय करना, अब समय का समय आ रहा है, वे करे मादा महाराज जी ऐसा महाराज जी वैसा, तो फिर जोर से कहना चलो बाहर अभी समय हो गया, समय का दरवाजे बंद। तो ज्ञान उस समय दुख तो आ रहा है, संकलेशता हो रही, लेकिन संकलेशता को भी कैसे समता में जोड़ते हैं, संकलेशता को भी समता से निकालते हैं, उसमें उनको उतनी संकलेशता नहीं बनती, उसको उनको पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान जो किया है उस ज्ञान को वो घटित भी करते हैं अपने आप में। और यही ज्ञानी जीव की पहचान होती है कि वो दुख के दिनों में घबराता नहीं है, संकलेशित नहीं होता है, उसमें भी समता रखता है, उसमें भी शांत रहता है। एक ज्ञानी की पहचान होती है कि ज्ञान जो किया है उसको तात्कालिक औषधि लगाता है, और उसका वही जिसने दुख से ही अपने आप को भावित किया है उसका ज्ञान पावन पवित्र स्वस्थ हो जाता है। तो जिसने उस दुख से ही अपने आप को भावित किया है, और जिसने दुख से ही भावित किया है, तो उसका ज्ञान उस समय पवित्र हो जाता है कि दुख में से सुख की खोज की है। हमें दुख में से सुख की खोज करना है, और स्वयं को ही करना पड़ेगी, स्वयं को ही भावित करना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं, जो सुख से भावित किया ज्ञान था, जो आपने ज्ञान अर्जन किया है, जो अध्ययन किया है, जो सुना है, वो दुख के दिनों में वो काम आए। सिर्फ सुनना इस कान से नहीं और इससे निकालना नहीं, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक इससे सुनते हैं, एक से निकाल देते हैं, और एक इससे सुनते हैं और अंदर ले जाते हैं। ग्रहण करना है उस ज्ञान को, और जब विपत्ति आए दुख आए तो उस ज्ञान को लगाना है। समय आपका हो रहा है, क्योंकि समय दूसरा समय है, समय से आपको करना है। तो आज इतना ही कि एक सात दिन का जो विधान का कार्य है समुसरण में, इसका ज्ञान इतना अर्जन कर लेना, क्योंकि पुण्य और ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। पुण्य भी किया हुआ तो नष्ट नहीं होता है, ज्ञान भी अर्जन किया हुआ नष्ट नहीं होता है। सरस्वती एक बार कंठ में आ जाती है तो जाती नहीं है, लक्ष्मी तो आने के बाद चली जाती है। जो आपने पुण्य का बीज बोया है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो ज्ञान अर्जन किया है वो नष्ट होने वाला नहीं है, बस उसको फेरना जरूरी है, और तात्कालिक समय में उसको घटित करना है। वो कला एक मंत्र विद्या, जिसके लिए नीति भी कहा जाता है, उस नीति को घटित करना है कि वो नीति तात्कालिक आना चाहिए। कौन सी नीति कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो नीति आपको आ गई तो आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। ज्ञान तो अर्जन कर लिया लेकिन नीति लगाई नहीं, वो ज्ञान कहाँ लगाना था, कैसे लगाना था, कब लगाना है, उस ज्ञान को लगाने की कला भी सीखना है कि वो ज्ञान अपन को कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। क्योंकि ये मंत्र नीति है, और ये माता जी कह रही थी जैसे मंत्री चतुर होते हैं, तो मंत्री इसलिए बनाया जाता है सभाओं में कि वो चतुर हो, अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से उस राज्य को चला सके। वो नीति सब प्रकार की नीति आती है, और उन नीति में जो परिपक्व है, ये नीति तो आप गृहस्थी में भी लगाना है, चाहे गृहस्थी का मार्ग चल रहे हैं, नीति का ज्ञान नहीं है तो आप गृहस्थी अच्छे से नहीं चला सकते हो, वहां भी विसंवाद हो जाए। नीति हर जगह लगाना है, साधु मार्ग में कब कहां बोलना है, कितना बोलना है, कब चलना है, कब उठना है, कैसे देखना है, कैसे बोलना है, हर चीज पर ज्ञान लगाना है नीति का। क्यों
आचार्य भगवान कहते थे कि जब तुम मंच पर बैठे हो तुम दो आंखों से देखते हो, लेकिन तुम्हारे लिए हजारों आंखें देख रही हैं। तुम्हारे ऊपर हजारों आंखें लगी हैं और कौन सा किस दृष्टि से देख रहा है, क्या देख रहा है, तो कब देखना है, किसको देखना है, कैसे देखना है, वो समय भी लगाना है। हर समय एक सा देखने की प्रक्रिया रहेगी तो लोग गलत अर्थ भी ले लेंगे। कब इशारा करना है, कब किसको कहां बुलाना है, वो ज्ञान होना चाहिए। हर जगह लगाओगे तो गलत, ज्ञान को होने के बाद भी उसको घटित करना है। पता है कि मैं यहां पर आया हूं प्रवचन सुनने के लिए, और प्रवचन सुनने के लिए मैं बहुत अच्छे भावों से आया था और बहुत अच्छे परिणाम थे मेरे कि मुझे प्रवचन सुनने जाना है गुरुजी के आज समोसरण में, और यहाँ पर नाम पुकारा जा रहा था, चक्रेश भाई बोल रहा थे, यहाँ से लोग आए, वहां से लोग आए, आइए मुनि श्री के पावन चरणों में श्री फल चढ़ाइए। और आप उसी समय यहाँ पर बैठे थे, आपका चेहरा उसको दिखा या नहीं दिखा, आपको नहीं बुला पाया, बहुत संकलिष्टता बनी है। लेकिन अब यहाँ ज्ञान तुरंत लगाना है, यहाँ इस ज्ञान को लगाना है, इस ज्ञान को तुरंत यहाँ पर घटित करना है, तभी तो आपका ज्ञान कार्यकारक है। अन्यथा ऐसा ज्ञान तो अनादिकाल से लेते आए हैं और वो ज्ञान संसार का कारण बन गया। एक ज्ञान कर्म क्षय का कारण बन रहा है, एक ज्ञान संसार का कारण, एक ने प्रशस्त विचार बनाए कि मैं गुरु के प्रवचन सुनने आया था, आज मेरी पर्याय पवित्र हो गई, गुरु के दर्शन हो गए, उनके दो शब्द सुनने को मिल गए, आज तो मैं धन्य हो गया। और एक सोच रहा है मुझे नारियल चढ़ाने नहीं बुलाया, मैं इतनी दूर से आया, मैं इतनी देर से बैठा, तो नारियल चढ़ाने के लिए नहीं आया था, श्रीफल चढ़ाने के लिए नहीं आया। उस समय ज्ञान को घटित करना है, तुरंत आप ज्ञान लगा लोगे तो संकलिष्टता नहीं होगी। यही तो लगाना है, ऐसी जगह लगाना है कहाँ, देखो कितनी कितनी बातों पर आपको संकलिष्टता उत्पन्न हो जाती है। आपको मालूम है कि मैं आकर के इस कुर्सी पर रोज बैठती हूँ, यहाँ सबसे पहले मेरी टेबल पर मेरी द्रव्य लगती है, और आप आए वहां से और आपने अभिषेक किया, इतने में दूसरे भाई साहब आए और वो जाकर के आपकी टेबल पर बैठ गए, संकलिष्टता निमित्त बन गया। और इतनी संकलिष्टता बनने तुरंत संभालो अपने आप को, वही ज्ञान तो तुरंत वही घटित करना ज्ञान को। एक ज्ञान स्वाध्याय किया है, इस ज्ञान को दुख में सुख में बदलना है, तुरंत लगा लो। पीछे बैठ जाऊंगा मैं, मुझे क्या दिक्कत है, पूजा ही तो करना है भगवान की, मैं तो भगवान की पूजा करने आया हूं ना। भगवान की पूजा दूर से भी हो जाती है, भगवान की पूजा भाव से भी हो जाती है, भगवान की पूजा मेरे कर्म में, मेरे उदय में नहीं, पास में कोई बात नहीं, मैं दूर बैठ करके कर लूंगा। ये ज्ञान को दुख के समय में घटित करना है, कैसे घटित करना, हम लोगों के पास देखो इतनी संग इतने निमित्त बनते हैं, कभी कभी तो माता जी को पता है, जो त्यागी वृत्ति है उन सबको पता है कि जब विहार करते हैं तो कभी एक समाज का व्यक्ति श्रीफल चढ़ाने नहीं जाता है। पता चला कि नगर में पहुंच गए, एक व्यक्ति लेने नहीं पहुंचता है, कभी कभी स्त्री की स्थिति बन जाती कि मंदिर में तक आ गए तब भी किसी ने नहीं कहा कि महाराज जी आप कहां से आ रहे हैं। यही की बुंदेलखंड की बात है, मैं एक जगह विहार कर रहा था, नई नई दीक्षा मुनि दीक्षा का तत्काल का अनुभव, चुल्लक में तो ऐसे की बैठे जो कार्यक्रम में ले जाता था तुरंत चले गए, मुनि अवस्था में एक जगह मंदिर के अंदर चले गए विहार करके। मेरे साथ जो विहार कराने वाले थे वही लड़के थे,
समाज का एक व्यक्ति नहीं जाकर के बाहर चबूतरे पे बैठ गए, दर्शन कर लिए। एक भाई साहब आए, बोलने लगे हमारे पास तो फोन ही नहीं आया, आप कैसे आ गए यहां पर? संकलिष्टता इतनी बनती है। लेकिन भैया तुम्हारे लिए नहीं आया हूं मैं तो तीन लोग के नाथ के दर्शन करने के लिए आया हूँ, और मैं दर्शन करके मैं जैसे ही समय उचित होगा मैं निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद समिति के सारे लोग आ गए, निवेदन किया, महाराज मुझे पता ही नहीं चल पाया, गलती हो गई, क्षमा करना। चौका लगा। फिर वहां पर मैं 5 दिन रुका, और वहां से जब मैंने बिहार किया जिस दिन, तो वहां 700 से 1000 लोग बिहार में थे, और आज तक वहां से यहाँ तक लोग आते हैं और हर बार कार्यक्रम में आते हैं। वो नाम नहीं हो, लेकिन संकलिष्टता हर समय हर क्षण बनती है, चाहे साधु जीवन हो। अब संकलिष्टता देखो बनाने को तो कितनी सारी बन सकी। मैं आहार कर रहा हूं, आज ही की देख लो, आहार ले रहा हूं, सूखे ग्रास चल रहे, सब देख भी रहे देने वाले भी कि महाराज जी सूखे रोटी लेते जा रहे हैं फल के साथ, कोई ये नहीं सोच रहा कि दाल दे दें कि सब्जी दे दें कि कुछ दे दें, और देने वाले जो चलाने वाले भी वे भी ऐसे देख रहे हैं, वो भी हंस रहे आराम से, वो भी देखते जा रहे हैं, फिर भी आराम से सामने, ठीक है भैया देते जाओ तुम तो आराम से, जो है सो क्या करो। हाथ में लिए हुए कटोरी भी रख देते, लो महाराज नहीं ले रहे, एक आध बार ना ले तो कहते बोले कटोरी नहीं ले रहे। अब संकलिष्टताएं बनाना चाहे तो कितनी संकलिष्टताएं बन सकती हैं, कितने परिणामों को खराब कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ज्ञान को गजित किया है, वहां तुरंत ज्ञान लगाया है कि ये गड्ढा है, जो आ रहा है सो लेते जाओ, गड्ढा ही तो भरना है, पेट भरना चाहिए, चाहे सूखी रोटी से भरे चाहे गीली रोटी से भरे, पेट भरना चाहिए, पेट भर लिया अपना काम, मैं कम नहीं कंजूसी नहीं करी खाने आहार में, वो नहीं करते आहार तो जो लेना है जितना लेना है, भली घुमा फिरा करके कैसे भी ले लूं मैं, चाहे फल के साथ ले लूं रोटी, चाहे एक बार के जूस के संग रोटी खा ली। लोग कह रहे महाराज जो कर रहे, अरे भैया क्या करे, अब तुम कुछ नहीं दोगे तो जो करना वो तो पेट तो भरना, ठोस आहार तो लेना ही है। कहने का मतलब है संकलिष्टता पल पल पर खड़ी है, लेकिन उस संकलिष्टता में कैसे ज्ञान से लगा करके दुख को सुख में बदल देते हैं, वो आपको भी बदलने की कला सीखना है, और दुख को सुख में बदलना है, वही ज्ञान आपका कार्यकारक है, और सब ज्ञान तो आपका संसार का बुराने वाला है, और जो आपने इतने में सामने रख लिया वही कर्मों की निर्जरा करने का कारण बनेगा, वही आपको संसार से इस भाव को छुड़ाएगा, और अपने उस भाव को प्राप्त करना है जिसको अपन लक्ष्य को लेकर के बैठे हैं। तो आप सब अपने ज्ञान को अच्छी तरह से अर्जन करें, समय अपना हो गया है। ओम शांति। माता जी आज विहार कर रही थी द्रोणगर के लिए, लेकिन देखो एक साधक दूसरा साधक स्नेहिता में आराम से, जब मैं भी कुंडलपुर गया था मुझे गुरुजी के दर्शन मिले आचार्य भगवान के विद्यासागर जी महाराज के, मैंने कहा हार करके तुरंत निकल जाऊंगा, लोगों ने कुछ ऐसा बताया, लेकिन जब मैं गया वहां का भाव मिला तो 2 दिन रुक गया। माता जी भी आज अपने यहाँ रुक गई, अभी जाने ही नहीं है, है ना, अब सुबह की सुबह से देखी जाएगी, सुबह की सुबह से देखी जाती, वो तो सुबह होने दो, तो सुबह के क्या है, तो आहार पानी करके देखो, कोई मेहमान आता है तो खाली पेट नहीं भेजते उसको, खाली पेट घर से खाली पेट नहीं भेजते, नहीं घर से खाली पेट नहीं जाता है, घर से खिला पिला करके भेजते हैं, अच्छे से खिला पिला दो फिर अपन, और ये अपने बेटे को अच्छे से खिला पिला करके घर से बाहर भेजते हैं, फिर तो अपने ये मोक्ष मार्ग के बेटे हैं, इनको खाली पेट कैसे भेजेंगे, समझ गए ना आप।
ओम शांति। हाँ ओम शांति सर्व शांति। समय हो गया है बुद्धि समाधि पर।